देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दो भाइयों को दुकान का पता पूछना महंगा पड़ गया। दरअसल रोहिणी के विजय विहार थाना इलाके में सिगरेट की दुकान का पता पूछने को लेकर हुए मामूली झगड़े में कुछ युवकों ने दो भाइयों को चाकुओं से गोद कर लहूलुहान कर दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जब देर रात को दोनों भाई सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर गए तो उन्होंने वहीं शराब पी रहे कुछ युवकों से सिगरेट की दुकान का पता पूछ लिया, जिसको लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और शराब पी रहे लोगों ने दोनों भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। उन रात को स्मोकिंग के लिए बाहर निकले तो हमने किसी भी शॉप के बारे में पूछा और लड़कों से, जो वो लोग दारू पी रहे थे, तो उन लोगों से तहासुनी हुई और तहासुनी होने के बाद वो मारपीट करने लगे और फिर उन्होंने चाकू निकाल करके मेरे जो कजन ब्रदर है उसके हाथ पे मारा और पेट पे मारा और मेरे बैक पे मारा। वारदात को चंद घंटों में सुलझाते हुए दो नाबालिग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की।